गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन घरसाना। नाउ वी स्टार्ट अवर सिक्स्थ क्लास सेकंड चैप्टर, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, कि राजा ने, सॉरी, हाउ द डॉग, कुत्ते ने फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप कैसे ढूंढा ए न्यू मास्टर, एक नया मालिक। तो क्या है इसमें, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तुम जानते होंगे शायद कि डॉग और वोल्फ जो है, वोल्फ मतलब भेड़िया, आर क्लोजली रिलेटेड। वो दोनों बहुत अच्छे संबंधी थे, बहुत अच्छे जुड़े हुए थे दोनों एक दूसरे से। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट नाउ हाउ ओवर द सेंचुरीज, आप ये भी अच्छे तरीके से जानते हो कि कई शताब्दियों से ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जो है डोमेस्टिकेटेड, वो डोमेस्टिकेटेड है, वो हिंसक बन चुके हैं टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम ए टेम एनिमल। तो यहाँ पर भी यही है कि एक कुत्ता कैसे एक पालतू जानवर बन गया, इसके बारे में ये कहानी है। तो हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं अपने। तो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा, डॉग एंड वोल्फ की स्टोरी है। फर्स्ट पॉइंट देखो इसका क्या है, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। कुत्ते वर वंस, एक बार, देयर ओन मास्टर, अपने खुद के मालिक होते हैं, ठीक है। कुत्ते अपनी मन मर्जी से चलते हैं, अपने अपने मालिक होते हैं। एंड लिव द वे वॉल्व्स डू, और लिव द वे, इसी रास्ते से वॉल्व्स जीते हैं, यानी कि भेड़िए जीते हैं इन फ्रीडम, स्वतंत्रता में। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, ठीक है, ये यहाँ सही नहीं लिखा गया, यहाँ लिख देती हूँ, स्वतंत्रता। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, वॉल्व्स मतलब भेड़िया, वॉल्फ का प्लूरल है ये। अंटिल ए डॉग वाज बॉर्न हु वाज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। जब तक कि कुत्ते का जन्म नहीं हुआ था, तब तक भेड़िया जो था, हु वाज इल प्लीज्ड, वो खुश नहीं था, ठीक है, ज़्यादा खुश नहीं था, पुराने तरीके से जिया करता था। प्लीज्ड होता है खुश होना, और इल प्लीज्ड का मतलब, दोनों का मतलब होता है ना खुश होना, दुखी होना, ज़्यादा खुश नहीं था। विद दिस वे ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी के इस तरीके से, यानी कि जिस वे से वो ज़िंदगी जी रहा था, जिस तरीके से वो जीता था भेड़िया, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, वो थक चुका था, वो बीमार पड़ गया था। टायर्ड मतलब थकना, सिक मतलब बीमार पड़ना, ऊब जाना, और वंडरिंग घूमकर, घूमना, वंडरिंग घूमते हुए, अबाउट बाय हिमसेल्फ, अपने आप से ही, लुकिंग फॉर फूड, भोजन के लिए ढूंढता था, यानी कि वो थक गया था घूमते घूमते, ऊब चुका था कि वो घूमता रहता है लुकिंग फॉर फूड, भोजन के लिए। एंड बींग टायर्ड, फ्राइटेंड, एंड बींग फ्राइटेंड, फ्राइटेंड को बोलते हैं हिंदी में भयभीत होना या डरना, और वो डर जाता है ऑफ दोज उन लोगों से हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, जो उससे ज़्यादा मजबूत होते हैं। देखो पहला पॉइंट हमारा यही फिनिश होता है। इसमें क्या बताया कि एक भेड़िया और एक कुत्ता जो है, कुत्ता अपने आप का मालिक है, लेकिन भेड़िया क्या है, जब तक कुत्ते का जन्म नहीं होता, उससे पहले क्या है, वो बहुत ही पुराने तरीके से जीता है, खुश नहीं है, अकेला घूमता रहता है फूड ढूंढने के लिए, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा डर जाता है जो उससे ज्यादा स्ट्रोंग है, जो एनिमल्स उनसे। सेकेंड पॉइंट, ही थॉट इट, वो सोचता है इट अवर इसके ऊपर, एंड डिसाइडेड, और निश्चय करता है। डिसाइडेड को हम क्या बोल लेंगे, डिसाइडेड मतलब निश्चय करना। वो निश्चय करता है दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज होगी टू डू वास टू बिकम, कि वो कुछ करें, वास टू बिकम, वो बन जाए, बिकम मतलब बनना, वो बन जाए द सर्वेंट, नौकर ऑफ वन, किसी ऐसे पर्सन का हु वाज स्ट्रोंगर देन, जो उससे ज्यादा मजबूत है। तो जो वो थक गया, तो उसने क्या सोचा, और उसने निश्चय किया कि मेरे लिए सबसे अच्छी चीज यही होगी कि मुझे क्या करना है, अपने से जो मजबूत है, अपने से जो स्ट्रोंग है ना, उसका नौकर बनना पड़ेगा, देन एनीवन ऑन अर्थ, यानी कि देन एनीवन अर्थ, उससे ज्यादा स्ट्रोंग धरती पर कोई ना हो, उस स्ट्रोंग पर्सन को मेरे को नौकर बनना पड़ेगा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और उसने क्या कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया।
सच्चे मास्टर इस प्रकार के एक मालिक को, इस प्रकार के एक इंसान को, इस प्रकार के एक जानवर को ढूंढना शुरू कर दिया कि जो धरती पर सबसे ज्यादा स्ट्रोंग और उससे स्ट्रोंग एनीवन ऑन अर्थ, धरती पर कोई भी ना हो। अब हमारा थर्ड पॉइंट देखो, ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वो चलता है और चलता है, यानी कि वो घूमता ही रहता है, वॉक करता ही रहता है। एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, किन्समैन बोलते हैं रिश्तेदार को, संबंधी को, ठीक है। किन्समैन किसको बोलेंगे? रिश्तेदार को बोलेंगे, रिलेटिव को बोलेंगे। ये देखो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, ओल्ड फैशन वर्ड, पुराना वर्ड है रिलेटिव का, किन्समैन। रिलेटिव फायर्स वॉयलेंट फ्राइटनिंग, एक ऐसा रिलेटिव जो एक संबंधी होता है, ठीक है, एक रिलेटिव होता है, एक रिश्तेदार होता है। ए बिग वोल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स, एक बड़ा सा भेड़िया था, उसका ही रिश्तेदार था। हु वाज एज स्ट्रॉन्ग, वह जितना मजबूत था, एज ही वाज फायर्स, उतना ही वो हिंसक था, उतना ही वो डरावना था, ठीक है। उसे मिल गया एक ऐसा भेड़िया जो उसके रिश्तेदार ही निकला, जो बहुत ही मजबूत था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके साथ साथ ही वो डरावना भी बहुत था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते? द वॉल्फ आस्क्ड, तो भेड़िया ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ टू टेक अप सर्विस विद, जो सेवा कर सके। वुड यू लाइक माई मास्टर वॉल्फ, तो क्या तुम मेरे ही सेवा करना चाहोगे, क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे वॉल्फ? तो उसने उसने जो पूछा कि तुम किसको ढूंढ रहे हो, तो सामने से उसने अपना क्वेश्चन रख दिया कि वुड यू लाइक, क्या तुम बनना चाहोगे माई मास्टर, मेरे मालिक वॉल्फ भेड़िए। आई डोंट सी वाई नॉट, मैं नहीं देख रहा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं बनना चाहूंगा। द वोल्फ सेड, भेड़िए ने बोला, यानी कि सामने से चल के कोई पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे, तो उसने बोला कि क्यों नहीं बनूंगा। एंड दिस एग्री अपॉन, वो उसके ऊपर सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, अब वो दोनों एक साथ है चलने लगे, अब वे दोनों एक साथ है आगे बढ़ने लगे। टुगेदर होता है साथ साथ, एग्री होता है सहमत होना, यानी कि भेड़िया इस बात से सहमत हो गया कि वो उसका मालिक बन जाएगा, और वो दोनों एक साथ आगे निकल गए। ओके स्टूडेंट्स, हमारे 3 पॉइंट आज कंप्लीट होते हैं। इतना चैप्टर आप घर पे रीड करके देखो, जितने मीनिंग वर्ड मीनिंग लिखवाए हैं आप उसे नोट डाउन कीजिए, और इसके साथ साथ जितना चैप्टर करवा दिया, इस चैप्टर के ये जो ग्लोसरी है ये भी आप अपने नोटबुक के अंदर लिखोगे। बाकी इसका जो भी चैप्टर बचता है, जो भी पार्ट बचता है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।